let us on. No fighting. Let's go do some shopping. You never seen all of it. Please subscribe to my channel. But wait. Order मैंने अपने लिए किया था और सारा ये खा. कैसा है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे. अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे. आमीन सुमामीन. जॉर्जिया ट्रिप के बाद जो है ना, मैं व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि जी आपकी बहन को हो गया था बुखार. यानी कि मुझे और बच्चों की भी जो तबीयत थी ना, वो उलट पुलट हो चुकी थी क्योंकि हम लोग जो है ना गर्म सर्द हो चुके थे. क्योंकि जॉर्जिया था वो बहुत ठंडा था और हम दुबई में जब आए यहाँ तो भाई तूफ़ानी गर्मी के बस. लेकिन फिर मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो चुका है अपनी YouTube फैमिली के साथ हेलो हाय करते हुए, तो मैंने कहा चलिए जी सख्त तड़पती धूप में जो है ना आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की रूटीन शेयर करती हूँ. और बस जी सुबह का आगाज़ हो चुका है, हस्बैंड काम पर चले गए हैं और अजान स्कूल जा चुका है. तो बस परिंदों को मैंने डाला जी खाना पानी, दाना पानी, क्योंकि इतनी गर्मी थी. और यकीन माने कि मैं परिंदों का भी सोच रही थी कि क्या हाल होता होगा. एनीवेज गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो बस मैंने ना सेक्शन बनाए होते हैं कपड़ों के ना, तो मैंने कहा आज जो है ना इस तड़पती धूप में ना लॉन्ड्री भी कर लेते हैं. तो मैंने इमरान के ना कपड़े आज मैंने धो दिए. मैंने कहा चलो ये धो लेती हूँ और यकीन माने 15 मिनट के अंदर अंदर ना ये कपड़े भी सूख गए. घर के कामकाज तो चलते रहेंगे. मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ जो है 2 कप दूध में 15 मिनट में बनने वाली पार्ले जी बिस्किट्स के साथ ना स्वीट डिश आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ. इसके लिए जी आपको चाहिए होंगे पार्ले जी बिस्किट्स, उनको ग्राइंड कर लें और इस तरह का पाउडर मिक्सर बन जाएगा, उसके अंदर मेल्टेड बटर डालें को जो है ना आप किसी भी बाउल में निकाल लें और इसको प्रेस करके जो है ना आप फ्रिज में जो है 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि ये सेट हो जाए. ये डेजर्ट जो है ना बनाने में इतना इजी है कि मैं वीक में एक दफ़ा ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आता है. चलें जी इसके लिए जो है ना आप एक पैन लें और उसके अंदर 2 कप दूध डालें और थोड़ा सा ना एक कोली में आप बचा के रख लें. इसका मैं बाद में बताती हूँ क्या करना है. इसके अंदर जी डाल दें आप हस्ब ज़रूरत चीनी, ठीक है, और इसको जो है मेल्ट करके पकाएं. और उसके साथ जो आपने एक सेपरेट बाउल में जो दूध रख लिया था 2 कप दूध में से, उसके अंदर डालेंगे बिस्कॉफ बिस्किट्स का जो है ना वो मिलता है मार्केट में, बिल्कुल इजीली अवेलेबल होता है. तो बस इसके 2 चम्मच जो है ना, मैंने इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैं 2 चम्मच दूध के अंदर ये डाल दूंगी और साथ ही 2 चम्मच जो है ना कॉर्नफ्लोर के डाल के इसकी एक पेस्ट बना लूंगी. और इसको जो दूध में चीनी डाल के जो मैं पका रही थी इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको इतना पका लूंगी कि इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है ना वो इस तरह की हो जाए. फिर जो मैंने फ्रिज में से जी बिस्कॉट जो रखे हुए थे तो उनके अंदर मैंने ये पुडिंग डाल दी और उसके ऊपर जो है ना बिस्कॉट स्प्रेड का जो है ना ये भी सिरप डाल दिया और इसको जो है ना सेट करने के लिए 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रखा और उसके बाद बिस्किट्स के साथ इसको जो है ना सर्व करें, बहुत मजे का है. One hour later. जी जैसे ही मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैंने मीठे में आज दोबारा से ये डिज़र्ट बनाया है तो वो फ़ौरन से जो है ना ऑफिस से वापस आ गया. बस जी उनको बोला कि मैंने शॉपिंग पे जाना है क्योंकि अजान के जो है ना जॉगर्स लेने थे और मैंने इसी बहाने से जो है ना बाहर हमारी सैर भी हो जाएगी. लेकिन सैर क्या भाई, इतनी गर्मी इतनी सफोकेशन थी. लेकिन सफ़र पे जाने से पहले आपको पता है कि हमने पीनी होती कड़क. जब भी सफ़र पे होंगे तो चाय लाजमी है और बस अभी चाय ऑर्डर कर दी है और चाय आने वाली है. और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आप देखें कि बाहर जो काम कर रहे हैं उनका भी बहुत बुरा हाल है. चाय आ चुकी है, अब हम इस चाय को पियेंगे. ये क्या बता रही है वैसे. चाय पीते ही और इन दोनों की जो है ना सीट के पीछे लड़ाई होती रहती है पीछे. तो मैंने बस ना हस्बैंड से इनको डांट पड़वा के ना तो इनको सीट बेल्ट लगा के आराम से बिठाया और जी सनसेट हो रहा था और बहुत ही प्यारा दुबई लग रहा था भाई. माशाल्लाह हमारे दुबई की जो है ना, हमारा क्या आप सबका जो दुबई है ना बहुत कमाल का है. तो बस हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना पहुँच चुके थे डेरा साइड पर और यकीन माने इतना रश था ना. और इस एरिया में तो आपको मोस्टली जो है ना ट्रैफिक ही मिलती है और कार पार्किंग तो बिल्कुल भी नहीं मिलती और उसके लिए जो है ना आपको बहुत ख्वारी उठानी पड़ती है स्पेशली इन दुबई.
हम जो है ना ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर और बच्चे देखिए कितने आराम से अब बैठे हुए हैं, लेकिन जो है ना इनकी शरारतें फिर भी नहीं ख़त्म होनी और ये पीछे फिर भी जो है ना अपने मस्ती मजाक कर रहे थे और साथ में जो है ना इशारे भी बहुत आ जाते थे अगर हम लोग आराम से पहुँचने वाले भी हों। लेट्स गो डू सम शॉपिंग। कार पार्किंग जो है ना हमें मिल चुकी है आखिरकार एक घंटे के बाद, बस बच्चों को उतारा और आ जाते हैं जो है ना अलग ही सीट से उतरना होता है। तो बस जी बाहर तो फल्ला इतनी ज़्यादा गर्मी, धूप नहीं थी क्योंकि शाम हो चुकी थी और जो है ना लेकिन सफोकेशन इतनी ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी बहुत थी। हम पहुँच चुके और मैंने अजान के लिए जॉगर्स भी ले लिए। बस जी हमारी शॉपिंग कम्प्लीट हो चुकी थी क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने कहा बस जल्दी से जो है ना गाड़ी में जाते हैं क्योंकि अब लग रही थी बच्चों को और हमें भूख, बहुत गर्मी है, पसीना पसीना हो गए, पसीना पसीना, बहुत गर्मी। अब यहाँ से निकल कर हम सीधा जो है खाने वाली स्पॉट पर चलते हैं। वो थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत मज़े का रेस्टोरेंट सा है और जस्ट लाइक अ कैफेटेरिया, और वहाँ पे जो है ना सूप पियेंगे गर्मी में क्योंकि बहुत दिल कर रहा था चाइनीज़ खाने का, और कुछ ठंडा ठंडा भी खा लेंगे। तो बस आप लोगों को वहाँ लेकर चलते हैं। Let's go. बस जी हम पहुंच गए और हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी से जो है ना अपनी सब ने अलग अलग जो है ना चीज़ों को ऑर्डर किया, और बस मैं भी सोची थी कि आज मेरा बहुत दिल कर रहा था चाउमीन खाने का और बच्चे जो ही जिंगर वगैरह और साथ साथ We are hitting 5, we're gonna hit 5K. So please subscribe so we can hit 5K. Thank you. थोड़ी गपशप के बाद जो है ना हमें रेस्टोरेंट वालों ने हमें दी वेलकम ड्रिंक्स, और ये बहुत मज़े का मौसमी का जूस था, और उसके साथ बच्चों आयत के आगे नगेट्स और फ्राइज, और बच्चे जो है ना खूब इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने पूछा आयत कैसा है, आयत यू लाइक इट, आई एम हियर। और जी सख्त गर्मी में हमारा दिल कर रहा था सूप पीने का क्योंकि गले जो थे ना बस गर्म सर्द होने की वजह से थोड़े से ख़राब हुए हुए थे। तो मैंने कहा बस हम गर्म गर्म सूप पीते हैं, और यकीन माने इस रेस्टोरेंट का सूप इतने मज़ेदार था, और यहाँ का स्पेशल सूप था जिसके अंदर प्रॉन्स और एवरीथिंग जो है ना सारा सी फूड और चिकन वगैरह सब कुछ था और बहुत ही यम्मी। उसके साथ साथ जो है ना सूप के साथ साथ हमने ऑर्डर किए थे चाउमीन, मैंने ही ऑर्डर किए थे क्योंकि मेरा बहुत दिल था, आपको वीडियो में बताया था कि मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। और हमारे ऑर्डर के साथ साथ ना अजान का जिंगर भी आ चुका था, और वो खा के हमें बता रहा था कि मामा इट्स टेस्ट लाइक अ केएफसी, तो यहाँ का इसने अप्रूव कर दिया। So now we have गुड, वाज गुड। सो नाउ इट्स माय टर्न। ऑर्डर मैंने अपने लिए किया था और सारा ये खा लिया। कैसा है? आप भी खाए? और जी बस हम लोगों ने जो है खाना शाना खा लिया है अपना, सारा जो है ना हमारा रात का डिनर ऑलमोस्ट हो चुका है, तो बस घर की तरफ निकलते हैं। और यही वजह है कि मौसम तो है गर्म सर्द हुए हैं, और साथ साथ हम गर्म सर्द खा भी लेते हैं, तो इस वजह से तो तबीयत है ना वो उलट पुलट हो जाती है। तो लेकिन एनी हाउ आप लोगों ने मुझे मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखना है और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से कर दें क्योंकि मज़े मज़े का फैमिली कंटेंट ऑन द वे है। इन द एंड वमिन शरी हासिदिन इज़ अ हसद, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।